और वर्ष भर आपका पूरा कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए इन दोनों कार्यक्रमों को एक साथ करते हुए मुझे, इसका शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं इन दोनों कार्यक्रमों के प्रति अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आत्मा निवास करती है उत्तर प्रदेश में। प्राचीन काल से ही शिक्षा का और स्वास्थ्य का एक केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो काशी प्राचीन काल से ही इसके लिए जग विख्यात रही है। प्रयागराज ने एक लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत के वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की जो भूमि रही है, यही बगल में सीतापुर का नेमिषारण्य है। प्राचीन काल से ही भारत के ज्ञान और विज्ञान की, अध्यात्म की धरती होने के नाते उत्तर प्रदेश का इसमें एकाधिकार भी था, लेकिन समय के अनुरूप अपने आप को तैयार न करने के कारण एक समय ऐसे भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश की पहचान अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपनी समृद्धि और अपने संसाधनों से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर की अराजकता, गुंडागिर्दी, दंगे और अव्यवस्था और अराजकता उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। बीमारी उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। लेकिन पिछले 6 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए, आज उसके परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। स्कूल चलो अभियान, इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने 1 जुलाई 2017 में प्रारंभ किया था। उस वर्ष जुलाई में इसलिए सत्र ये कार्यक्रम प्रारंभ किया क्योंकि सरकार ही 19 मार्च को बनी थी और मार्च के बाद फिर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते जुलाई 17 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को कुकरेल में प्रारंभ किया था। एक सफल कार्यक्रम रहा। आप याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट था, खासतौर पर 5वीं और 8वीं क्लास पास होने के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते।